हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सोशल साइंस देखेंगे, जो कि आपकी वर्कशीट नंबर 7 है। इसमें आपको मैप के बारे में दिया हुआ है, जिसमें मैप को देखकर आपको डायरेक्शंस के बारे में पता करना है। ठीक है, तो आप पहले बार तो आप अगर इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर एक मैप आपको दिख रहा है, लुक एट द फिगर 1। इस फिगर को देखना है, देयर इज एन एरो मार्क्ड एट द अपर राइट हैंड, मोस्ट मैप कंटेन ऑन एन एरो मार्क विद लेटर एन नॉर्थ एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है, कह रहा है इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन, इस लाइन को नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, जब हमें नॉर्थ के बारे में पता चल जाता है, यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, और ये हो जाता है साउथ। ठीक है, तो कह रहा है जब तुम्हें नॉर्थ के बारे में पता होगा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सभी पता चल जाएगा। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जो मेजर डायरेक्शन हमारी यही चारों होती हैं। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट दिस वन, साउथ ईस्ट दिस वन, साउथ वेस्ट दिस वन एंड नॉर्थ वेस्ट दिस वन। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिए, ये नॉर्थ होता है नोटबुक में, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। हमारे पोल दो हैं, दो ही पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो इसी पोल को ही देखते हुए यहाँ पर आपको नेक्स्ट डायरेक्शन लिखनी है। पहले नॉर्थ ही लिखना है, देन आपको ईस्ट लिखना है। यहाँ पर पोल क्या है, साउथ है, तो पहले साउथ लिखना है, फिर ईस्ट लिखना है। यहाँ पर पोल क्या है, साउथ है, फिर आपको वेस्ट लिखना है। यहाँ पर पोल क्या है, नॉर्थ है, तब आपको वेस्ट लिखना है। तो इस तरीके से हमको करिस्पॉन्डिंग 4 डायरेक्शंस और मिल जाती हैं। तो टोटल डायरेक्शन हमें कितनी मिल जाती हैं, 8 मिल जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चंस को। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 1, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम विकास हाउस। जो कम्युनिटी सेंटर है वो विकास के हाउस से किस डायरेक्शन में है, तो कम्युनिटी सेंटर विकास के हाउस से नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्थ। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्चर्ड फ्रॉम द प्लेग्राउंड। जो ऑर्चर्ड है इसका डायरेक्शन प्लेग्राउंड से किधर है, तो प्लेग्राउंड इज हियर एंड ऑर्चर्ड इज हियर, तो डायरेक्शन इधर आएगा, और ये कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, साउथ डायरेक्शन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, साउथ। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम द शॉप्स, शॉप्स से स्कूल की डायरेक्शन क्या है, तो ये है शॉप्स और ये है स्कूल, तो डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जो इधर होता है ये कौन सा होता है, ईस्ट होता है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ईस्ट लिखना है, यहाँ पर आपका साउथ आया था और यहाँ पर नॉर्थ आया था। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों आंसर आपको मिल गए होंगे। सो आपको अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि सभी दोस्त आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।